अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। अगर कुवैत के अंदर रहते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी वीज़ा पर, लीगल या इलीगल तरीके से, तो आप ज़रूर जान लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के सालमिया इलाके से आ रही है। अभी एक लेडीज़ गाड़ी चला रही थी, जिसमें के सामने जो दो लेडीज़ रोड क्रॉस कर रही थी, रोड को पार कर रही थी, तो उनके ऊपर जो है उसने गाड़ी चला दी। और अभी जो है फाइनली अपडेट नहीं आई है निकल के उन लोगों को कितनी चोट आई है, कितनी नहीं, दो लेडीज़ के ऊपर इस तरीके से गाड़ी को मारा गया और जिसमें कि वो लेडीज़ उछल गई थी और उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। अभी इसके हवाले से कोई भी अपडेट आएगी तो ज़रूर हम आपको बताएंगे। अगर आप भी इस तरीके से कहीं पर भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं या किसी भी तरीके से ड्राइविंग वगैरह करते हैं या रोड क्रॉस करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, ताकि आपके साथ में इस तरीके का कोई भी हादसा ना हो जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी वैक्सीन के हवाले से है। जैसे कि मैंने आपको मालूम है, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन तो कर लेंगे, लेकिन किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करें उसके हवाले से मैं आपको बता दूं। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो ये है, कुवैत गवर्नमेंट का कहना है, जो लोग इस चीज़ को इग्नोर करेंगे और उन्होंने किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं किया, टीका नहीं लगवाया, तो उनके लिए आने वाले वक्त में प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है उनका जो है ट्रैवल बैन किया जाए, या किसी भी तरीके से उनको कंट्री जो है कंट्री में नहीं एंट्री दी जाए, या कहीं पे भी आप वो ट्रैवल करते हैं तो उनको ट्रैवल नहीं करने दिया। तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, और कहीं भी अगर आपको जाना है तो जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पर जो है आएगा रजिस्ट्रेशन करें आप टीका लगाने के लिए या वैक्सीन के लिए, तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए नॉर्मली जो है प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना होगा, पासपोर्ट नंबर डालना होगा, पासपोर्ट में जो नाम है आपको वही डालना होगा, उसके बाद में सिविल आईडी नंबर डालना होगा, सिविल आईडी के पीछे जो एक सीरियल नंबर होता है वो भी आपको डालना होगा, उसके बाद में जो मोबाइल नंबर डालना होगा, और उसके बाद में जो है आपके पास मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा, वो आपको जनरेट करना होगा। इस तरीके से पूरा प्रोसेस कम्प्लीट करना होगा। जो आप जब वेबसाइट पर जाएंगे खोलेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको जो है आगे बता दिया जाएगा किस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना है। अब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस वेबसाइट में, उसके बाद में आपको एक मैसेज आ जाएगा और वो कंफर्म करना होगा आपको। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, और कुवैत सरकार का ये भी कहना है, जो लोग इस चीज़ को नहीं करते हैं, प्रोसेस कम्प्लीट नहीं करते हैं, तो उनको आने वाले वक्त में परेशानी हो जाएगी, ट्रैवल नहीं भी करने दिया जाएगा। तो ये बड़ी न्यूज़ थी, सोचिएगा आप लोगों तक शेयर की जाए। और जैसे ही टीका लगना शुरू होगा लोगों को, तो उनके व्हाट्सअप पे या किसी भी तरीके से उनकी मेल पे या उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे उसका एक फॉर्म आ जाएगा, जो कि वो रजिस्टर होगा और उसमें पूरी डिटेल्स लिखा हुई होगी कि इस बंदे को टीका लग चुका है, इसका जो है सर्टिफिकेट ये है। इस तरीके से एक उसको प्रूफ मिल जाएगा कि इस बंदे को टीका लग चुका है, तो वो ट्रैवल कहीं भी कर सकेगा। तो ये बड़ी अपडेट है, तो आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना चाहिए। मिनिस्ट्री की जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पर इस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा, उसको पढ़ लिख के आप पूरा जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा आप लोगों को शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।